नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से आपको एक बहुत छोटा बहुत सरल प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। इसको करने से और इसको खाने से आपके समस्त रोगों में बहुत लाभ होगा। बहुत छोटा सा प्रयोग है पर अत्यंत चमत्कारी है। इसको सबको अपने घर में करना चाहिए। लगता छोटा है क्योंकि हमारे यहाँ समस्त वन औषधियां बड़ी सुलभ उपलब्ध है, इसलिए हम आयुर्वेद को सोचते हैं कि ये कोई लाभ करेगी कि नहीं करेगी। परंतु आप जब करेंगे उसको प्रयोग को स्वयं लाके आप करेंगे और उसके चमत्कार देखेंगे तब आपको अवश्य भरोसा होगा। कुछ भरोसे के कारण हमारे कुछ अभरोसा आप लोगों को इसलिए भी होता है कि कई बार आप लोगों को किसी औषधि की जानकारी नहीं होने से उसको गलत औषधि आपको दे दी जाती है, गलत जड़ी बूटी दे दी जाती है, या जो समय निकल चुका है, सड़ी है, खराब है, उसका प्रयोग चमत्कारी नहीं होता, इसलिए आप लोगों को उस पे से भरोसा उड़ जाता है। तो हमारा वन मेला वन विभाग की तरफ से 9 तारीख से 5 दिन के लिए लगाया जा रहा है। वहाँ आप लोग सादर आमंत्रित हैं, सब लोग आइए। इंदौर में ये मेला लग रहा है, आप ही लोगों के लिए लग रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वन औषधियां बता रहा हूँ कि आप वहां आएंगे, खरीदेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो मित्रों, ये बहुत सरल प्रयोग है। काली मिर्च 40 ग्राम ले लीजिए, गाय का घी 40 ग्राम ले लीजिए, तुलसी के 40 ग्राम सूखे पत्ते ले लीजिए, पके वाले सूखे पत्ते ले लीजिए और इन सब को मिलाकर रख लें। इन सब चीजों को 40 ग्राम काली मिर्च, 40 ग्राम गाय का घी और तुलसी के 40 ग्राम पत्ते सूखे, इन सबको पहले बारीक पीस लीजिए, काली मिर्च को और तुलसी के पत्ते को, और इसको घी में मिला लीजिए। शुद्ध घी हो गाय का, बढ़िया, उसमें मिला लीजिए, मिलाकर रख लीजिए रोज आधा चम्मच सवेरे और आधा चम्मच शाम को खाइए। ये दवा खाली पेट सवेरे खाना है मित्रों। ये इतनी बढ़िया औषधि है मित्रों, समस्त रोगों आपके शरीर में जितनी भी कफ की मात्रा है इसको खत्म कर देगी। और बाकी बहुत सरल प्रयोग है। तुलसी अपने आप में बहुत चमत्कारी वृक्ष है, आयुर्वेद में इसका बड़ा अति महत्व है। इसके जड़, फूल, पत्ती, बीज सब बहुत काम में आते हैं। तो ये बड़ा सरल प्रयोग है, इसको करिए। ये वात रोग जो है, ये वात रोग से आजकल लोग बहुत पीड़ित हैं, खास करके ठंड में बहुत तकलीफ होती है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको वात रोग में भी अचंभित आपको लाभ मिलेगा मित्रों। तो इस प्रयोग को जरूर करिए, बहुत सहज और सुलभ आप करके देखिए, तब आपको अनुभव होगा कि वास्तव में ये छोटी छोटी जड़ी बूटियों से कितना हम लाभ उठाते हैं। और हम डॉक्टरों के पास यहाँ वहाँ भागते हैं, पैसा और समय नष्ट करते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें ही बताता हूँ। नमस्कार मित्रों, आप मेरे चैनल को जरूर देखिए, उसका भरपूर लाभ उठाइए। कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर उसके समाधान हेतु मुझे जो कुछ ज्ञान है आपको जरूर